बिल्कुल मुझे एमपी के गांव की याद आ गई मेरे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1648 को फाउंड हुई थी ये सिटी। एक बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं परानागुआ के। ठीक है, मैं मास्क ऊपर कर लेता हूँ और हम लोग अभी जाएंगे जो सिटी का जो ओल्ड हिस्टोरिकल सेंटर है वहाँ पे हम जाएंगे। बहुत ही प्यारी और सुंदर छोटी सी सिटी है। अभी हम लोग सिटी का जो ओल्ड एरिया है उस साइड जाएंगे। जो बस हमें कुर्दीबा वापस लेके जाएगी उसका ऑफिस है यहाँ पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे उस बस कंपनी का ऑफिस है, वीएसएम ग्रासियोसा करके है उसका ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वापस जाएंगे। ये एक कोई पार्क है छोटा सा, अरेबिक मेमोरियल करके है। ये जो दो स्तंभ बने हुए हैं यहाँ पे वो बिल्कुल अरेबियन स्टाइल में बने हुए हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है वहाँ पे। ये है टर्मिनल रोडोविरियो म्यूनिसिपल बस टर्मिनल है ये। देखा कैसा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। कुर्दीबा सिटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने का, लेकिन आसपास कुछ कुछ है तो हम लोग आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे हैं, अभी हम जो हिस्टोरिकल जो सेंटर है वहाँ जाएंगे। हिस्टोरिकल सेंटर कोई म्यूज़ियम नहीं है, ये सिटी का ही ओल्ड पार्ट है। जो रंग बिरंगी जो है घर बने हुए हैं ऐसा कुछ कुछ है, वो मैंने मैप में देखा था। तो हम लोग अभी उसी साइड जाने वाले हैं। और वो घूम के हम दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। इस साइड है वो जो पुराना एरिया है सिटी का। तो दोस्तों ये जो हम स्ट्रीट में अभी वॉक कर रहे हैं ना, यही है वो सेंट्रो हिस्टोरिको बोलते हैं, मतलब हिस्टोरिकल सेंटर। तो जैसा मैंने बताया था कोई म्यूज़ियम नहीं है, ये जो स्ट्रीट्स हैं और ये जो घर बने हुए हैं ये पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, ये समझ लो पुराना एरिया है सिटी का, पुराना एरिया है परानागुआ का। और दोस्तों ये शहर की खास बात ये है कि ये ओल्डेस्ट सिटी है पराना की। ठीक है, तो पराना की ओल्डेस्ट सिटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है ब्राज़ील की भी। 1600 सदी की है ये सिटी, बहुत पुरानी है। और ये पोर्ट एरिया है परानागुआ जो है, वो पोर्ट सिटी है पराना स्टेट की, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट एरिया है ये ब्राज़ील का। ये देख सकते हो आप, क्यों बोलते हैं इसको हिस्टोरिकल सेंटर, क्योंकि ये थोड़ा पुराना एरिया जैसा है। सही लग रहा है ना दोस्तों, ये तो शुरुआत है। यहाँ बीच भी है, बीच को भी हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर श्योर। मैं वहाँ बीच पे ज़्यादा मतलब जैसे है ना पानी वानी में नहीं जा पाऊँगा, वो मैंने प्लान नहीं किया, वो प्लान करके नहीं आया था,
बीच में पानी में जाने का भी हम प्लान करेंगे, लेकिन दूसरी जगह यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, छोटा सा और ओल्डेस्ट सिटी है पराना की। ये देख सकते हो आप बना कैसा है, ये टोटली आप जैसे पहले का होता था पुराना उसी स्टाइल में है यहाँ पर सब। ऐसे ही हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे, जो भी होगा पराना का सब कुछ एक्सप्लोर कर डालेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे भी रूम अवेलेबल है मंथली, तो अगर किसी को चाहिए है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं वो, है ना। अगर मुझे शिफ्ट होना हो तो मैं भी मंथली रूम यहाँ पर ले सकता हूँ। बहुत पुरानी एक चर्च है यहाँ पे, चर्च की दीवारों से ही पता चल रहा है कि कितनी पुरानी होगी। पेंट वेंट कुछ नहीं है, हालत ख़राब हो गई बिल्कुल दीवारों से देख कर देखकर लग रहा है। यहाँ पे कुछ स्तंभ बना हुआ है और कुछ लिखा भी हुआ है। क्या हुआ है, ये लिखा है आ कॉमेमरा साओ दो ट्री सेंटारियो द फुंडा साओ पराना गोवा। मेरे ख्याल से शायद 300 साल हो गए थे जब पराना गोवा को तब बनाया था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1648 को फाउंड हुई थी ये सिटी। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी सिटी। लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे एलियन आ गया है, क्योंकि मैं कौन एक्सप्लोर करता है यार छोटे से शहर को, है ना, कोई भी नहीं करता, मैं कर रहा हूँ उसको एक्सप्लोर। तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे एलियन आ गया है कहीं से है। साइड भी जो कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स मैं नहीं कहूँगा, घर बने हुए हैं कलरफुल बिल्कुल। भाइयों बहनों बहुत मज़ा आ गया यार यहाँ के, कुछ डिफरेंट देखने को मिला। ऐसे ही हम एक्सप्लोर करते रहेंगे सिटीज़ को, और अभी तो ये शुरुआत है, हम और भी आगे जाएंगे और भी दूसरी जगह। देखो 1930 लिखा है ये घर पे, कितना पुराना है घर, 1930 लिखा हुआ है उस पर। ये मुझे अपने गांव की याद आ गई बुंदेलखंड की, वहाँ पे भी ऐसे ही सब पुराना पुराना है। ये जो बिल्कुल कम पॉपुलेटेड जगह है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, शांति है बिल्कुल। ये देखो कितना कितना पुराना दिख रहा है ये अभी,
ये दरवाजे भी जो हैं घरों के वो भी बिल्कुल पुराने हैं लकड़ी के, जैसे पहले के ज़माने में होते थे। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के बारे में। ये भी देख रहे हो आप बिल्कुल पुराने स्टाइल में बना हुआ है, दुकानें भी वैसे ही हैं। तो दोस्तों ये जो सेंट्रो हिस्टोरिको है, जो हिस्टोरिकल सेंटर, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा शायद। और आगे फिर जब हम बस से आ रहे थे तो आपने देखा था बिल्कुल कुर्तिबा जैसा लग रहा था, अच्छा तो वो वैसे ही है फिर वहाँ पे। अभी ये जो आप घर देख रहे हैं ये घर पे भी लिखा हुआ है 1930, बहुत पुराना है ये भी, ठीक है। और ये देखो आप कैसा बना हुआ है, ये यहाँ पे भी पुराने ही बना हुआ है, 1930 लिखा है। एक्चुअली ये घूमने फिरने की जगह नहीं है, प्रॉपर रोड ही है ये। वो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग साथ में। यहाँ पे भी एक चर्च है बहुत सुंदर। कोई रेस्टोरेंट है जो बंद है, दोस्तों। वैसे ये जो सिटी है यहाँ पे भी आप आ सकते हो, हम और एक्सप्लोर करेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यहाँ आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं तो एक्सप्लोर करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे तो हर सिटी में जाना है, देखना है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल मुझे एमपी के गाँव की याद आ गई मेरे। ऐसे देख के सब पुराना कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये वही सेंट्रो हिस्टोरिको है, जो हिस्टोरिकल सेंटर पराना गोवा का। अभी हम और आगे जाएंगे, और जगह देखेंगे। ये आपने देखा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और हम आगे जाएंगे और एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये एक पराना गोवा की स्पेशल सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, और हम आगे देखेंगे आगे क्या है। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस शहर में, बहुत ही छोटा और प्यारा और सुंदर शहर है ये, एक तटीय शहर है। और ये वही चर्च थी जो हम बाहर से देख रहे थे, चर्च भी बहुत सुंदर थी, कोई नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ प्रेयर कर रहा था। तो यहाँ अंदर मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने ऐसे ही एक फुटेज लिया था आपको दिखाने के लिए। चर्चेस भी जो ब्राज़ील की हैं अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत पुरानी पुरानी भी हैं, तो आप चर्चेस भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा था, यहाँ मैंने कुछ 2-4 घंटे बिताए थे और वीडियोस बनाए थे, बहुत अच्छा लगा। शांति शांति थी चारों तरफ, और एक पुरानी सिटी में हम पहुँच गए थे, ये समझ लीजिए 100 साल पहले हम पहुँच गए थे 1900 में। तो बहुत अच्छा लगा था, और जैसा मैंने बताया था कि मैं और रिव्यू दूंगा इसका, कंक्लूजन पे आएंगे। तो जैसा मेरा ये था कि 2-3 दिन तो यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यही एक हिस्टोरिकल सेंटर था और कुछ चीज़ें हैं आके, तो उसके लिए आप 2-3 दिन यहाँ नहीं बिता सकते। बाकी
ये बहुत बढ़िया लगा है। आप बने रहिए, आपको और पता चलेगा कि यहाँ करने को क्या क्या है। फिर हमने आगे खाना भी खाया था तो बहुत बढ़िया था। क्या ऑप्शंस हैं और क्या प्राइजेस हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग वहाँ चर्च में भी गए थे, लेकिन वहाँ अंदर मैंने कुछ बोला नहीं। शोर करना अच्छी बात नहीं होती। और एक्सप्लोरेशन के जो टूर है इसको कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ और आगे जा रहे हैं। ये वही ओल्ड एरिया ही है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ आगे बीच भी है, हम लोग बीच भी एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे देखना पड़ेगा कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना मिले, और हम देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये मार्केट वाला एरिया है। यहाँ पे है रेस्टोरेंट, अभी खुला नहीं है। नो वरी, यूजुअली दोस्तों जो रेस्टोरेंट्स के टाइम होते हैं वो अराउंड 11 बजे से होते हैं। तो अभी 11 नहीं बजे होंगे, क्योंकि मैं जो है 9:55 पे यहाँ पहुँच गया था, और जब से फिर हम लोग घूम फिर रहे हैं तो मुश्किल से अभी 10:30 हुए होंगे। तो मे बी इस रीज़न की वजह से